इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में डिटरमाइन टू, तो जब आप यहाँ तक टाइप कर लेते हो उसके बाद क्या करना है आपको, माउस से इसे नीचे की ओर खींचना है आपको, और आपको ध्यान रखना कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। जैसे डिटरमाइन को ऊपर रखना है, डिटरमाइन टू जो लिखा हुआ है उसको जस्ट ऊपर रखना है, उसके बाद यहाँ से आपको टाइपिंग स्टार्ट करना है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको SSC CGI Tier 2 टाइपिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताने की कोशिश करूंगा। इसमें हम लोग आज बात करेंगे स्पीड, एक्यूरेसी, एरर, बैक स्पेस, टाइपिंग फॉर्मेट कैसा होगा, टाइपिंग कहाँ से सीखी और कहाँ पे टाइपिंग दे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 26.7 WPM आपको स्पीड चाहिए, और आपको टाइपिंग स्पीड लानी है 15 मिनट में, और 15 मिनट आपको टाइप करना है 2000 की डिप्रेशन। की डिप्रेशन का मतलब होता है कि आपको इतने सारे की फिंगर से प्रेस करना है। वर्ड वर्ड का मतलब होता है 5 कैरेक्टर। तो आपको मैं चेंज करके बताऊंगा कि ये 26.7 WPM हुआ कैसे। 2000 की डिप्रेशन को हम लोग को चेंज करना है, तो इससे हम लोग सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हो टोटल हो गया 400। तो ये जो 400 हुआ है ये 400 वर्ड है। तो अब इसे हम लोग टाइप करेंगे 15 मिनट में। तो 400 वर्ड को फिर से डिवाइड कर दें हम लोग 15 से, तो आप देखना कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 26.6 की स्पीड आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसे मान के चलो कि ये 33 से 34 की स्पीड है, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक इसे टाइप करना, 15 मिनट बहुत लंबे होते हैं, तो इसे मान लेना कि आप लगभग 32 से 33 की स्पीड आपको लानी है, ठीक है। तो आपके घट के हो जाएगा वो 27 WPM। अब हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी और एरर के बारे में। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि आप इतनी मिस्टेक कर सकते हो, जनरल में 20%, OBC में 25% और अदर कैटेगरी में 30%। तो ये जो एरर दिया गया है इतने आप मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम पोस्ट के लिए। आप मान के चलो जो मैक्सिमम पोस्ट है उसमें आपको ज्यादा गलत नहीं करना है, आप मान के चलो कि लगभग 5 से 7% तक आप गलत करना है, ठीक है। तो 400 वर्ड में आप 20 से 28 तक गलत कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बैक स्पेस। तो बैक स्पेस का उपयोग यहाँ पे होगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो आप उसे बैक स्पेस का उपयोग करके उसे ठीक कर सकते हो। अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे, यहाँ पे है टाइपिंग फॉर्मेट। तो टाइपिंग फॉर्मेट वहां पे कैसे होगा वो देखो। अब देखो कि आपको टाइपिंग फॉर्मेट कैसे मिलेगा। टाइपिंग फॉर्मेट आपको इसी तरह का पैराग्राफ वहां पे लिखा रहेगा और आपको नीचे इसे देख के टाइप करना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में डिटरमाइन टू, तो जब आप यहाँ तक टाइप कर लेते हो उसके बाद क्या करना है आपको, माउस से इसे नीचे की ओर खींचना है आपको, और आपको ध्यान रखना कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। जैसे डिटरमाइन को ऊपर रखना है, डिटरमाइन टू जो लिखा हुआ है उसको जस्ट ऊपर रखना है, उसके बाद यहाँ से आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। अब दोस्तों आपको टाइपिंग कहाँ से सीखना है ये देखो, ये सीखना है आपको सिंपल सा यूट्यूब से। यूट्यूब में जाना है, आपको सर्च करना है टॉक अभय, ये मेरा चैनल है और इससे आपको सब्सक्राइब भी करना है। अब यहाँ पे पहला आइकन दिख रहा होगा, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी यहाँ पे, लर्न इंग्लिश टाइपिंग इन 10 डेज। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इसकी राधे राधे दोस्तों, आज इंग्लिश टाइपिंग आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल 10 डेज की कोर्स है, और 10 डेज की कोर्स को आपको कम्प्लीट करना 5 डेज में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आप चाहते हो तो 5 डेज में भी इसे कम्प्लीट कर सकते हो, ठीक है। मैं बताना चाहूँ कि इंग्लिश टाइपिंग बहुत ही ईजी होता है, तो आप इसे 20 से 25 दिन में आप 35 तक स्पीड ला सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करें कि आप टाइपिंग टेस्ट कहाँ पे आपको देना है। तो टाइपिंग टेस्ट आपको देना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल में जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है SSC Pinnacle। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक दिखेगी, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है टाइपिंग मॉड्यूल में, यहाँ पे आपको टाइपिंग मॉड्यूल दिख रहा होगा, टाइपिंग मॉड्यूल पे आपको जाके क्लिक करना है। उसके बाद करना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर SSC CGI Tier 2। इसकी प्राइस है 99 रुपीज, तो आपको इसे परचेज करना है। और ये जो है ये TCS टाइपिंग बेस्ड है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर परचेज करें। और परचेज करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें बताया गया है कि कैसे आपको टाइपिंग यहाँ पे करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आप देखना कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के बारे में यहाँ बताया गया है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो।
और इसके बाद इंस्ट्रक्शन टू दी कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसे आप देखना। और लास्ट में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक सेंटेंस डेली टाइप करना, इसके कारण होगा क्या कि आपकी जो स्पीड है आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। तो आपको टाइप करना यह सेंटेंस, दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग, तो आपको इसे टाइप करना है डेली। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।